मैं यहां पर अब आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड समझाने जा रहा हूं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की है, विलियम हार्वे ने। अब मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, कायदे में देखिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा हार्ट है। मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आपको ये समझ में आए, ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट। फिर इसके बाद ये तुम्हारा हो गया महाधमनी, जिसे आप बोलते थे आरोटा, इसे बोला जाता था आरोटा। फिर इसके बाद ये होगा महाशिरा, महाशिरा को बोला जाता था वीना कावा, वीना कावा, है ना। फिर ये हमारा सिर्फ धमनी आ जाएगी, छोटी धमनियां, महाधमनी के बाद छोटी धमनी आएगी, और महाशिरा इसको बोलते हैं महाधमनी, आरोटा को हिंदी में बोला जाता है महाधमनी, जबकि वीना कावा को हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा। ओके, और सुनिए, धमनी, धमनी की छोटी धमनी हो जाएगी सिर्फ, सॉरी, महाशिरा के बाद आएगा सिर्फ सिरा, और सिरा के बाद हमारा जो खून पहुंचेगा वो पहुंचेगा शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में, यानी आप कह सकते हो सिर्फ शरीर लिख दीजिए, शरीर में पहुंचेगा, बॉडी में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? बॉडी में। अब ये कैसे क्या होता है, जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि दिल के पास शुद्ध खून है, दिल के पास शुद्ध खून है, तो दिल क्या कहता है कि लो मेरे से ये शुद्ध खून लेते जाओ, मेरे से ये शुद्ध खून लेते जाओ। अशुद्ध खून कौन लेते जाता है? महाधमनी। तो ये महाधमनी पता है क्या, एक बड़ी पाइपलाइन है। जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आप लोग का जो गांव होगा, तो गांव में क्या होता है कि एक पानी का टैंक बना होता है ना, तो पानी का जो टैंक होता है जिसको आप टंकी भी बोलते हो, तो पानी का जो टंकी है उसी से ही तो पानी निकलकर हर एक गांव के घर में जाता है। तो कभी उस टंकी से निकलने वाला पाइपलाइन देखो, तो टंकी से निकलने वाला पाइपलाइन बड़ा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है टंकी से निकलने वाला पाइप। तो टंकी से निकलने वाला पाइपलाइन जो है साइज में बहुत बड़ा होता है, फिर वो ऐसे आगे बढ़ता है, फिर मोहल्ले से निकलता है, फिर घर में जाता है, तो साइज छोटा होता रहेगा ना। तो सेम चीज यहां पर भी है कि जब दिल से शुद्ध खून निकलता है तो पहले जाता है महाधमनी। महाधमनी का मतलब है बहुत बड़ी धमनी, बहुत बड़ी धमनी। फिर ये शुद्ध खून छोटी धमनियों में पहुंचता है, एकदम छोटे छोटे पाइप, छोटे छोटे पाइप। लेकिन खून अभी भी शुद्ध है, ऐसा नहीं है कि शुद्ध नहीं है, अभी भी खून शुद्ध है। लेकिन जब ये धमनियों में पहुंचने के बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है, अभी भी शुद्ध है, लेकिन जब शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है और उससे निकलता है, अब देखो शरीर में पहुंचा तो शरीर में होती है माइटोकॉन्ड्रिया, शरीर में अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ले लेगा और बदले में खून में डाल देगा CO2। और जब शरीर से निकलता है, यानी अलग अलग भागों से निकलता है, तो शरीर में खून में अब मिल जाता है ऑक्सीजन, मतलब CO2 मिल जाता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। तो शरीर में मिल जाता है, और आपको पता है कि शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका अर्थ यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि इस ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा और ब्लड को CO2 दे देगा। तो जब CO2 दे देगा तो यहीं से जो ब्लड हो जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन अब अशुद्ध ब्लड जाएगा कहाँ? कहेगा वापस ले जाओ भैया इसको दिल के पास शुद्ध करके लाओ। तो जब दोबारा से दिल के पास जाएगा शुद्ध होने के लिए, तो पहले छोटी छोटी पाइपलाइन से जाएगा, उन्हीं छोटी छोटी पाइपलाइन का नाम है सिरा, उन्हीं छोटी छोटी पाइपलाइन का नाम है सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेन्स, क्या बोलते हैं? वेन्स, उसी छोटी छोटी पाइपलाइन का नाम से। फिर वही गंदा पानी, सेम चीज होती है आपके घरों में भी, घरों में देखो अभी बरसात होने वाली है, तो होता क्या है कि घरों में जो गंदा पानी है पहले वो छोटे छोटे पाइपलाइन से नालियों में जाएगा, फिर वो और नाली, और बड़ी नाली होती चली जाएगी, है बस उन्हीं बड़ी नाली को वेन्स, पहले छोटी नाली को वेन्स, फिर यही अशुद्ध खून पहुंचेगा महाशिरा में, महाशिरा का मतलब हो गया बड़ी नाली, और यही अशुद्ध खून फाइनली पहुंच जाएगा दिल में, यही अशुद्ध खून फाइनली पहुंच जाएगा दिल में। ओके, तो तुमसे पहला क्वेश्चन पता है यही पूछता है कि दिल से शुद्ध खून को बाहर कौन ले जाता और दिल में अशुद्ध खून को अंदर कौन लाता, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कहना दिल से शुद्ध खून को बाहर ले जाने का काम आरोटा का होता है, महाधमनी का, और दिल में अशुद्ध खून लाने का काम महाशिरा का, वीना कावा का। अब एक बात बताओ, दिल ने बेचारे ने इतनी मेहनत करके शुद्ध खून भेजा कि जाओ शरीर को दे के आओ, शरीर ने किया किया कि उस शुद्ध खून से ऑक्सीजन ले लिया, उसमें CO2 फेंक दिया, और CO2 फेंक देने के बाद वापस जो है दिल को भेज दिया, यानी दिल ने दिया शुद्ध खून और दिल को वापस अशुद्ध खून मिला। अब इस अशुद्ध खून को भी तो शुद्ध करना है,
तो दिल के पास एक ऐसा यंत्र है, है पड़ोसी में ही रहता है, दिल के पड़ोसी में फेफड़ा है, तो फेफड़ा एक ऐसा यंत्र हो जाता है जो इसी अशुद्ध खून को दोबारा से शुद्ध करेगा। ओके, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक और मैं पार्ट बना देता हूं, इसको मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा लंग्स है यानी फेफड़ा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दिल से जब भी कभी खून बाहर जाता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, वो हमेशा धमनी होती है। और दिल से जब खून अंदर आता है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो अशुद्ध हो, वो सिरा होती है। इसलिए देखो, बाहर ले जाने वाली धमनी, अंदर लाने वाली सिरा। लेकिन दिल के पास अब शुद्ध खून भेजा था इसने शरीर को, लेकिन शरीर ने वापस कर दिया इसको अशुद्ध खून। अब मुझे सब लोग बताइए, ये अशुद्ध खून को किसके पास भेजेगा? कह रहा है ले जाओ इस अशुद्ध खून को फेफड़ों के पास। अब ये अशुद्ध खून जाएगा फेफड़ों के पास। ओके, अब देखो फेफड़ों से जुड़े हुए जितने भी वर्ड है उन सब में पल्मोनरी लगाया जाता। क्या लगाया जाता? पल्मोनरी, हिंदी में बोलते हैं फुसफुस। लेकिन ये अशुद्ध खून को भेज रहा है तो दिल से बाहर निकल रहा है, और दिल से बाहर निकलता है केवल धमनी। तो मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगी तुम्हारी पल्मोनरी धमनी, ये हो जाएगी तुम्हारी पल्मोनरी धमनी। तो तुमसे पूछा जाता है कि बताइए पल्मोनरी धमनी में कौन सा ब्लड बहता है? तो देखो पल्मोनरी धमनी खून को बाहर ले जा रही है दिल से, अशुद्ध खून बह रहा, लेकिन महाधमनी में शुद्ध खून बहता है, है? फिर ये दिल के ये फेफड़ा कहता रहेगा, फेफड़ा इसको शुद्ध कर देगा, और शुद्ध करने के बाद फेफड़ा इसको पहुंचा देगा फिर से दिल के पास। फेफड़ा इसको शुद्ध करने के बाद फिर से दिल के पास पहुंचा देगा, देख लीजिए पहुंचा देगा। अच्छा, जब ये पहुंचाएगा तो ये तो फेफड़ा पहुंचा रहा है तो तुम्हें पल्मोनरी लगाना ही लगाना है, और खून दिल के अंदर आना है इसलिए तुम्हें सिरा लगाना है। तो ये तुम्हारी पाइपलाइन कहलाती है, इसे बोला जाता है पल्मोनरी सिरा, इसे बोला जाता है पल्मोनरी सिरा। देख लो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपके शरीर में होता है। लेकिन इसके जितने भी क्वेश्चन है वो या तो दिल से पूछे जाते हैं या तो हमारे फेफड़ों से पूछे जाएंगे, बस यही ध्यान रखना। ओके, तो सुनो ध्यान से, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ही बनेगा कि दिल से अशुद्ध खून, दिल से शुद्ध खून बाहर कौन ले जाता है? तो दिल से शुद्ध खून बाहर ले जाता है महाधमनी। दिल से शुद्ध खून अंदर कौन लाता है? तो दिल में शुद्ध खून अंदर लाता है पल्मोनरी सिरा। दिल में अशुद्ध खून बाहर कौन ले जाता है? तो अशुद्ध खून बाहर ले जा रहा देखो पल्मोनरी धमनी। और दिल में अशुद्ध खून अंदर कौन लाता है? वीना कावा। ओके, तो ये फाइनली मैं आपको बता दूं, अगर ये डायग्राम आप एक दो बार बनाओगे तो इसके अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, है ना। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक और कोशिश करता हूं, ये सारी बातें टोटी एटलीस्ट क्वेश्चन तो याद करना ही करना है आपको, तो ये सारी बातें मैं आपको दोबारा से रिपीट कर सकूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये दिल है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दिल है, तो दिल से चार एरो बनाइए, दिल से चार एरो बनाइए ऐसे, एक एरो ऐसे दूसरा अंदर लाता हुआ, एक एरो बाहर जाता हुआ दूसरा ये अंदर लाता हुआ, ऐसे चार। ओके, तो चार एरो में मैं फिर से बात समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए दिल से शुद्ध खून बाहर ले जाना है, शुद्ध खून बाहर ले जाना है, तो शुद्ध खून बाहर ले जा रहा है, बाहर ले जा रहा है धमनी हो रहा, और शुद्ध ले जा रहा है इसका मतलब शरीर के पास ले जा रहा है, तो शरीर के पास ले जाती है महाधमनी, तो इसका सही आंसर जा रहा है महाधमनी के साथ। फिर मान लीजिए अशुद्ध खून अंदर आ रहा है, तो अंदर आने का सीधा सा मतलब है सिरा होगी, लेकिन अशुद्ध खून अंदर ला रहा है तो इसका मतलब महासिरा होगी, महासिरा मतलब वीना कावा। ओके, फिर इसके बाद ये बाहर ले जा रहा है दिल से, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अशुद्ध खून बाहर ले जा रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अशुद्ध खून बाहर ले जा रहा है, तो अशुद्ध खून बाहर ले जा रहा है तो दिल के पास फेफड़ों के पास ले जाएगा शुद्ध करने के लिए, इसलिए इसको बोला जा रहा है पल्मोनरी, चूंकि बाहर ले जा रहा है तो धमनी, तो इसका नाम हो रहा है पल्मोनरी धमनी। ओके, सेम तरीके से अगर ये अशुद्ध खून बाहर ले जा रहा है तो उसको कभी ना कभी शुद्ध करके वापस लाएगा, अब जब शुद्ध करके वापस लाएगा तो इसका नाम हो जाए, टोटी अंदर ला रहा है तो अंदर लाते समय हम लोग नाम देते सिरा, और ये शुद्ध खून अंदर ला रहा फेफड़ों से इसलिए पल्मोनरी सिरा, तो इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी सिरा। ओके, तो ये जो मैंने आप लोगों को बातें समझाई, अगर ये बात आपको समझ में आती है वेरी गुड, नहीं आती तो एटलीस्ट एक बार तुम्हें ये बात याद रखनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं, अगला वाला स्लाइड क्या है। अब अगले वाले स्लाइड में ही मुझे आपको पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और अच्छे समझाना है। तुमने ये तो समझ लिया कि दिल से खून बाहर कौन सी धमनी ले जाती है,
दिल में अशुद्ध खून अंदर कौन लाता है, दिल से शुद्ध खून बाहर कौन ले जाता है, अशुद्ध खून कौन बाहर ले जाता है, पल्मोनरी, ये सब पढ़ लिया। अब मैं आपको दिल के बारे में थोड़ी सी बातें और बताता हूँ, और देखिएगा बड़े ध्यान से क्या क्या बातें। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका दिल है, मैंने इसलिए दिल को ऐसा बनाया ताकि आप थोड़ा बहुत अच्छे समझा सकूं। अरे तो दिल में चारों तरफ पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम फ्लूड होता है, ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे नीला होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। फिर भी मैं शॉर्टकट में नाम लिख दूं, सर ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, दायां निलय निलय, और ये तुम्हारा हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो बात सबको पता है ना। अरे तुमसे एक प्रश्न पूछा जाता है इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा साइज यही है, यानी इसको अगर मैं हिंदी में बोला जाए तो हिंदी बोली जाएगी बायां निलय, बायां निलय सबसे बड़ा साइज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पार्ट में भरा होता है शुद्ध खून। कहां से शुद्ध खून आया मैं बताता हूं, यहां भरा होता शुद्ध खून। ओके भाई, ऊपर खून नहीं रहता, खून ऊपर इकट्ठा होता नहीं, आता जरूर है। एक बात और सुन लीजिए, ये ऊपर नीचे वाले चैम्बर, ऊपर नीचे वाले चैम्बर वाल्व की सहायता से जुड़े होते हैं। तो चार चैम्बर होते हैं अपने दिल में, तो ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय, राइट वाला आलिंद, राइट वाला निलय, यहां पर एक वाल्व से जुड़े होते हैं, यहां पर एक वाल्व से जुड़े होते हैं। इस वाल्व का नाम होता है ट्राई टप्सेट वाल्व। मैं पूछू कि बताइए इसका वाल्व का नाम क्या है, तो कहना इस वाल्व का नाम है ट्राई टप्सेट वाल्व, ट्राई टप्सेट वाल्व। ओके, ट्राई टप्सेट वाल्व। सेम तरीके से लेफ्ट वाला पोर्शन भी यहां पर एक वाल्व से जुड़े होते हैं, इस वाल्व का नाम होता है बाई टप्सेट वाल्व, बाई टप्सेट वाल्व। यानी बायां आलिंद बायां निलय बाई टप्सेट से जुड़े होंगे, दायां आलिंद दायां निलय ट्राई टप्सेट से जुड़े होंगे। सर बाई टप्सेट को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है माइट्रल वाल्व, इसी का नाम होता है माइट्रल वाल्व। आप लोग कई बार पढ़ो रेस्ट हो ना। अब देखो होता क्या, मैंने आपको पहले बताया कि यहां शुद्ध खून भरा होगा और यहां पर राइट वाले पोर्शन में भरा होता है अशुद्ध खून। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने अभी पिछले वाले डायग्राम में बताया कि दिल भेजता तो शुद्ध खून है लेकिन शरीर वापस करता उसको अशुद्ध खून। तो हम लोग वापस करने से समझते हैं, हम लोग कहां समझते हैं वापस करने से। जैसे कि मान लीजिए ये रहा दिल, तो दिल को महासिरा खून को वापस भेजेगी है ना, लेकिन कौन वाले अशुद्ध खून को। तो मैं अशुद्ध खून को वापस करने से आपको डायग्राम समझाता हूं। तो होता क्या है कि महासिरा क्या करती है, महासिरा इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में, महासिरा इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में अशुद्ध खून को भेजती है पहले, तो कि जाओ भैया अशुद्ध खून दिल के पास जाओ और वापस मेरे पास शुद्ध होके आना। तो अशुद्ध खून देखो ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन ये अशुद्ध खून जो महासिरा से ऊपर वाले पोर्शन में आती है, तो महासिरा भी दो तरीके से होती है, एक होती है इन्फीरियर वीना कावा, एक होती है सुपीरियर वीना कावा। इन्फीरियर वीना कावा क्या करती है कि शरीर के निचले हिस्से से खून को दिल तक आती है, और सुपीरियर वीना कावा क्या करती है शरीर के ऊपरी हिस्से से खून को दिल तक लाती है ना। तो यानी ये कह सकते हो ये महासिराएं ऐसे दो होती है, दो पाइपलाइन, इंफीरियर और सुपीरियर। ओके अच्छा चलो उसको मारो बोली इंफीरियर सुपीरियर को, बस इतना देखो कि महासिरा अशुद्ध खून लाई। अब अशुद्ध खून जो है जब आएगा तो बच्चा अशुद्ध खून यहां पर आएगा, ये अशुद्ध खून है, लेकिन अशुद्ध खून यहां इकट्ठा नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि यहां वाल्व लग रहा है। तो इस वाल्व की मदद से अशुद्ध खून आ जाता है नीचे, इस वाल्व की वजह से अशुद्ध खून आ जाता है नीचे, ये अशुद्ध खून इकट्ठा हो गया। अब ये बताओ इस अशुद्ध खून को क्या हमें दाएं निलय में इकट्ठा करके रखना है क्या, नहीं ना, इसे वापस भेजना है। कहां भेजना है सर, इसे वापस भेजना है फेफड़ों के पास, पहले ये शुद्ध होते जाए, पहले ये शुद्ध होते आए। तो आप मुझे बताइए इसको जब फेफड़ों के पास भेजोगे तो बाहर भेजना है ना दिल के, तो दिल के बाहर भेजा जाता है धमनी से, समझिए ना बात को, और सर फेफड़ों के पास भेजना है इसलिए पल्मोनरी धमनी। तो ऐसे कुछ एक पाइपलाइन और लगी होती है, और ये पाइपलाइन हमारी है। अब हम लोग डबल पाइपलाइन ना बनाते, एक सिंगल पाइपलाइन बना दे, सिंगल पाइपलाइन बनाएंगे तो नहीं समझ पाओगे, चलिए सिंगल पाइपलाइन बना देते हैं। तो ये सिंगल पाइपलाइन आपके खून को ले जाती है फेफड़ों के पास, कि जाओ भैया फेफड़ा के पास जाओ और इसको शुद्ध करके लाओ, इसको शुद्ध करके लाओ। तो अशुद्ध खून जाता है फेफड़ों के पास। मैंने बताया इस पाइपलाइन का नाम क्या है, प्रोटीन बाहर ले जा रहा है इसलिए आपको धमनी बताना है, फेफड़ों के पास ले जा रहा है इसलिए पल्मोनरी धमनी बनाना है। तो इस पाइपलाइन का नाम होता है पल्मोनरी धमनी।
मैं अब नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नाम लिखूंगा तो डायग्राम बच्चा डंडा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका नाम है, याली पाइपलाइन का नाम है पल्मोनरी धमनी। अरे अच्छा सर, पल्मोनरी धमनी में ही यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, मैंने बताया चार चैम्बर होते हैं दिल में और चार वाल्व होते हैं, तो पल्मोनरी धमनी में ही यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। सर इस वाल्व का नाम क्या होता है? तो कहना इस वाल्व का नाम होता है सेमी लुनार वाल्व, या पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं, लेकिन आप इसको ज्यादा जो सही वर्ड होता है वो होता है सेमी लुनार वाल्व, सेमी लुनार वाल्व, अर्धचंद्रक वाल्व बोलते हैं। तो तुम्हें पूछे कि बताओ अर्धचंद्रक वाल्व कहां लगा होता है? कहना पल्मोनरी धमनी में लगा होता है। अच्छा तो दिल क्या काम करेगा? इसको शुद्ध करेगा और शुद्ध करने के वापस दिल भेजेगा। अब शुद्ध करने के बाद जब दिल कहेगा कि जाओ भैया खून तुम शुद्ध हो चुके, खून तुम शुद्ध हो चुके, अब तुम वापस दिल के पास जाओ, तो जब ये शुद्ध हो जाएगा तो ये राइट वाले पोर्शन में थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि राइट वाला पोर्शन में तो अशुद्ध खून पहले से भरा है, जाएगा तो मिलाना थोड़ी ना है हमें अशुद्ध और शुद्ध को। तो ये हमारा पहुंचेगा तुम्हारा कहां पर? ऊपर वाले हिस्से में, यानी ये पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिटल में। लेकिन ये लेफ्ट ऑरिटल में पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद, ऐसे पहुंचने के बाद, फिर ये क्या करेगा? इस माइटर वाल्व की सहायता से, देखिए माइटर वाल्व की सहायता से ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे। अब ये नीचे हमारा इकट्ठा हो जाए शुद्ध खून, नीचे इकट्ठा हो जाए शुद्ध खून। ओके अब ये बताइए इस शुद्ध खून को क्या हमें रखना है क्या संभाल के? नहीं भैया, इसको हम वापस भेज दे रहे, कहाँ भेजेंगे इसको वापस? कहना इसको हमें भेजना है, इसको हमें भेजना है कहाँ भेजना है? सर इसको हमें भेजना शरीर के पास शुद्ध खून को। तो ये शुद्ध खून जो इकट्ठा हो चुका है मेरे पास नीचे, फिर से एक पाइपलाइन होगी, और ये जो पाइपलाइन होगी, ये जो पाइपलाइन होगी मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ये पाइपलाइन, ये पाइपलाइन, ये पाइपलाइन, ये पाइपलाइन इसी शुद्ध खून को भेज देगी शरीर के पास, ये पाइपलाइन इसी शुद्ध खून को भेज देगी शरीर के पास, है ना, कि जाओ शुद्ध खून शरीर के पास जाओ, शरीर के पास भेज देगी। और कौन वाले खून को भेजेगी? सर शुद्ध खून को भेजेगी, बताओ। तो सर इस पाइपलाइन का नाम क्या है? ये जो पीला पीला मैंने दिखाया, तो कहना इस पाइपलाइन को ही बोलते हैं महाधमनी, इस पाइपलाइन को ही बोलते हैं महाधमनी। तो ये तुम्हारी महाधमनी हुई, ध्यान से सुनिए। ओके अशुद्ध खून आ रहा था महासिरा से, और इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए ये तुम्हारा, ये इसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा दिल से बाहर ले जा रही है, फेफड़ों के बाहर ले जा रही है, तो ये कहलाएगा पल्मोनरी धमनी, ये कहलाएगा पल्मोनरी धमनी। और जब ये शुद्ध खून को वापस दिल को दे रही है तो ये कहलाएगा पल्मोनरी सिरा। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो इसका नाम होगा पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। थोड़ा सा आपको अपने मन से भी समझना पड़ेगा, बच्चा है, पल्मोनरी सिरा। अच्छा पल्मोनरी सिरा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि सर यहां पर जैसे एक वाल्व लगा होता है पल्मोनरी धमनी में, सेमी लुनार वाल्व, और इसी को हम लोग पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं, क्यों? टोटी पल्मोनरी धमनी लगा। सेम तरीके से जब ये शुद्ध खून को महाधमनी शरीर के पास ले जाती है, शुद्ध खून को महाधमनी शरीर के पास ले जाती है, तो यहां पर भी एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को बोला जाता है आरोटा वाल्व, इसी वाल्व का नाम है आरोटा वाल्व। तो देखिए टोटल हमारे चार वाल्व हो गए, टोटल चार वाल्व हो गए। ट्राई कपसेट वाल्व दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच, बाई कपसेट वाल्व बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच, आरोटा वाल्व महाधमनी में, सेमी लुनार वाल्व जिसको आप पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं, कह सकते हो पल्मोनरी धमनी में, धमनी में ही वाल्व लगा है, सिरा में वाल्व नहीं लगा। मैं आपको पहले बता दूं सिराओं में वाल्व नहीं लगा हुआ है। ओके तो ये तुम्हारा कुछ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। देखो यार, अगर तुमने शुरू से पढ़ा है ये सारी चीजें तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा ये डंडा से दिखने वाला डायग्राम क्या है, है? और इस डायग्राम को अगर तुमने कायदे से पढ़ा रखा है तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ये डायग्राम को देखोगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। बोलो बात सब क्लियर है ना? तो ये डायग्राम को आप मेरे हिसाब से एक बार और खुद से बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए कि हाँ कौन सी पाइपलाइन से कौन सा ब्लड बह रहा है और कहां पर कौन सा वाल्व लगा हुआ है। बोलो बच्चा बात सब क्लियर है ना? ठीक है चलिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा का पूरा जो डायग्राम डिटेल में समझाया है ना, कि कहां से कौन सा ब्लड निकलता है, कौन सी धमनी में कौन सी महाधमनी में निकलता है, ये वही डायग्राम है। लेकिन बच्चे मैं आपको बता दूं, अगर आप यह डायग्राम को समझोगे
तो आप समझ ही नहीं पाओगे। ओके, बस आप दो चार चीजें देख सकते हो, जैसे कि ये देखिए, ये लिखा हुआ है अरोटा, ये हमारी अरोटा है ना, अरोटा में शुद्ध खून बहता है, आपको पता होना चाहिए, महाधमनी, पल्मोनरी धमनी है ना, ये फेफड़ों की ओर जा रही है, टू लंग्स देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम लंग्स लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्स। ओके, तो वो जो मैंने अभी तक आपको सारी चीजें इंफीरियर वीना ट्रावा बताया था, जो निचले हिस्से से खून को लेके आती है दिल तक है ना, ये फ्रॉम हेड ऊपरी हिस्से से, तो ऊपरी हिस्से से जो लेटे आएगी उसे बोला जाएगा सुपीरियर वीना ट्रावा, ये सुपीरियर वीना ट्रावा है ना, ये सब हमारी छोटी छोटी आर्टरीज है। तो आप लोग वाले डायग्राम बस देख लो, बाकी मैंने आप लोग जो डिटेल है वो वाले डायग्राम में बताई दी है। ओके, चलो कुछ और देखते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई वही सेम चीज है, जैसे कि आपको देखिए ये तुम्हारा फेफड़ा, अच्छा फेफड़े राइट और लेफ्ट दो होते हैं, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं होता, राइट वाला फेफड़ा बड़ा होता है और ये तुम्हारा दिल है, तो दिल क्या करता है कि इसको अशुद्ध खून भेजता है, अशुद्ध खून भेजता है दिल, ये देखो अशुद्ध खून भेज रहा है दिल, अरे अशुद्ध खून को हम लोग नीले से शो करते हैं, तो देखो नीला वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा अशुद्ध खून दिल को फेफड़ों को भेजा जा रहा है, और फिर फेफड़ा क्या करेगा उसे शुद्ध खून भेज रहा है, ऐसे देखो शुद्ध खून भेज रहा, अशुद्ध खून को भेजते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेड से, शुद्ध खून को रिप्रेजेंट करते हैं रेड से, बाकी बात समझ आ रही ना, तो ये वही सेम चीज लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई है, बाकी धमनियां भी लिखा हुआ है, जैसे अशुद्ध खून जब जाएगा वहां पर तो वो जाएगा पल्मोनरी धमनी से, तो ये सब पल्मोनरी धमनी है, ये सब पल्मोनरी धमनी है ना, जब शुद्ध खून वापस आएगा तो पल्मोनरी सिरा से आएगा, ये सब पल्मोनरी सिरा है। ओके, बाकी ये सब जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि हाँ धमनियां हैं, सिराएं हैं, ये सब हमारी अंदर हैं। ओके,